सुखा के रखा है, ये रूम में प्रोडक्शन होता है। यहाँ भी जैसे आप सब देख सकते हैं पीछे सुखा के रखा है और रखा है, कुछ पैकिंग चल रहा है और यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है। इसको कैसे सुखाना है, सब कुछ गर्म पानी डाल के मिक्स किया जाता है। टच दिले गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जो चुक में पहली बार हो रहा है, पहली बार कर रहे हैं और ये फास्ट है। मेरा दोस्त ने यहाँ पर पोइट्यांग प्रोडक्शन का काम शुरू किया है। तो आप सबको पता है पोइट्यांग हम लोग का बुद्धिस्ट कल्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका। हमारा बुद्धिस्ट में कुछ भी होता है, पूजा होता है, कहीं भी अच्छा दिन होता है, कहीं भी शुभ दिन में हम इसे जलाते हैं। भगवान रूम में हम लोग इसको रूम को फ्रेश रखने के लिए इसको जलाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ में क्या कुछ है, कैसे बनाता है उसका, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करता है। मैं आप सब खरीदना चाहे तो मैं इसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा आप सबके सामने। तो अभी नया नया है तो अभी बनना शुरू हुआ है सब कुछ। तो गाइस मैं मिलाता हूँ जो पोए का जो ओनर है उससे। हेलो, टेस्ट दिल है, मेरा नाम संगीत डुनुस है। तो और मैं चुक चांगपा का रहने वाला हूँ। तो मैंने आज पोइट्यांग का छोटा सा एक काम शुरू किया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी को अच्छा लगे। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कहाँ से क्या कुछ शुरू करता है, तो हम लोग आज जानेंगे सब कुछ। और आप लोग चाहे तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। तो चलो गाइस देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो हम लोग ने पहले से रेडी रख दिया, अंदर अंधेरा है, अंदर लाइट नहीं है, तो आप लोग सब देख सकते हैं। काम नया नया है तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सब कुछ अच्छे से नहीं हुआ है। तो आगे जाके उम्मीद है आप लोगों को अगर पोए अच्छा से चला तो जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी अच्छा हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है इसमें, ये जो है क्या बोलते हैं पंगपोए है, ये जो पंगपोए बोलते हैं अभी जैसे कि अभी हम जैसे कि हिंदी से तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत जैसे कि पहाड़ में मिलते हैं ना। तो ये उसको उसके जार से बनता है ना, उसके जार से। तो हमने वहाँ से लेके तो हमने उसको पूरा मीन बना के तो ये यहाँ पे मिक्स करते हैं, जैसे कि यहाँ में मसले के तरह थोड़ा थोड़ा, तो उसका नाम पंगपोए बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पंगपोए और ये पहाड़ों में मिलता है, बहुत दूर पहाड़ों में। और उसके बाद सेकेंड क्या है, और सेकेंड ये जो है कि अभी हम लोग पोए कर पोस्कर हाँ। तो ये जो एक जो नॉर्मली ये जो बाज़ार में मिल जाएगा, तो हम लोग नॉर्मली ये जैसे कि हम लोग पूजा वूजा करने में जलाते हैं, तो एक जो है मैं यूज़ कर रहा है। तो ये था पोस्कर जो बाज़ार से इजीली मिल जाता है, इसको हम लोग पूजा करने में जलाते हैं, तो इसको हम लोग पोस्कर बोलते हैं। बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं उसके बारे में आइडिया नहीं है। और दूसरा है ये, अभी ये जो एक टू है, ये जो अभी क्या बोलते हैं अभी हम हिंदी से तो हमको इतना पूरा पता नहीं, लेकिन अपना नाम अपना क्या बोलते हैं उससे पता है कि हम लोग बच्चे से तो उसको केम बोलते हैं उसको ना, उसको केम बोलते हैं। तो उसका एक तरफ उसका भी बहुत खुशबू अच्छा होता है, ये नॉर्मली ये हम लोग बस्ती तरफ में बहुत मिलता है ये। तो ये है केम एक तरह का प्लांट्स होता है, हम लोग बस्ती में मिलता है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। वो यहाँ तरफ जनरली मिल जाएगा, फिलहाल मेरा पास दिखाने के लिए नहीं है वरना मैं दिखा देता। तो ये यहाँ में भी मिल जाता है केम आमा, हम लोग उसको केम आमा बोलते हैं। तो इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है, इसको भी पोए में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ये जो उसको ये गोगुल बोलते हैं, तो गोगुल ये जो है अभी ये जो है जैसे कि पानी हम लोग पानी में डाल के उमाल के उसका रस डालना पड़ता है, जो अभी नॉर्मली हम यहाँ पे करके रखा है। तो ये भी एक इंग्रेडिएंट है जो पोइट्यांग में स्मेल ऐड करते हैं, उसमें खुशबू ऐड करते हैं। तो इसको पानी में बॉईल करते हैं और पानी बॉईल करने के बाद तब उसको वहाँ में मिला के मिक्स करता है, मिक्स किया जाता है। अभी नेक्स्ट ये जो अभी ये जो है उसका मेन आटा ना, जो ये हम लोग बड़ा बड़ा पेड़ होता है जो सुपा सिंह। तो ये जो दो किस्म का होता है, एक लड़का एक लड़की ना, तो दोनों को पता अलग होता है। और एक जो नहीं बोल से भी एक जो लकड़ी है और एक जो उसको पता है, ये दोनों आटा बना के मिक्स किया हुआ है। तो ये है सुपा सिंह को हिंदी में क्या बोलते हैं उसके बारे में भी आइडिया नहीं है। तो सुपा सिंह जनरली पहाड़ों में मिलता है और यहाँ में भी मिल जाता है जो ऊँचा ऊँचा इलाका है। तो ये सुपा सिंह का वो है, उसका आटा है। और उसका नेक्स्ट में है हम लोग पास नेक्स्ट में ये जो एक चंदन का तेल है, ये तो ये बोतल वाला जो चंदन का तेल है, और ये भी उसमें फ्लेवर ऐड करता है, इसका सेंट में फ्लेवर ऐड करने का काम करता है। ये जो अभी उसका वो काम करता है जैसे कि मतलब स्माइल और उसके साथ 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 ये जो उसका गम भिंगा भी लो सी वाह मामा भिंगा भी कोई भिंगी कोई बिछाल ना बाद में मतलब जैसे ये वो गम टाइप में एक होता है जैसे गम पकड़ने वाला है सी
तो ये है जो, ये जो है इसका पूरा पोई बनाने में इसका काम है पोई को चिपका के रखना। ये पोई को बनाते वक्त, नहीं तो इसके बिना पोई बिखर जाएगा। तो ये एक तरह गम का काम करता है। तो अभी फिलहाल सामान इतना है और उसके बाद दिखाता हूँ कैसे बनाता है यहाँ पर। तो ये है गाइस जहाँ बनाता है। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स अभी दिखाया उन सबको यहाँ में ला के इसके ऊपर रखता है, और जो मैंने आपको जैसे बताया उसमें पानी में फ्लेवर ऐड करता है और गर्म पानी करके यहाँ में सब साथ में मिक्स करते हैं। अभी फिलहाल के लिए रूम में लाइट नहीं है, तो उम्मीद है फिर भी थोड़ा नज़र आएगा। तो ये है जहाँ में सब कुछ मिक्स करके इसको अच्छा से मिलाया जाता है। ये सब है सामान अभी जो बनाने के लिए लेके रखा है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे सब कुछ मिक्स करने के बाद ऊपर ले जाता है, और ऊपर ले जाके उसका एक मशीन है जिसमें निचोड़ा जाता है, तो उसमें निचोड़ के उसको निकालता है, वो पोई निकालता है। एक पुराना घर है उसमें इन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ गर्म पानी डाल के मिक्स किया जाता है, उसके बाद आता है ये काम, उसके बाद ये मशीन का काम आता है। ये मशीन में डाल के इसको निचोड़ा जाता है, तो यहाँ से निकलता है। तो अभी थोड़ा बहुत बन चुका है, तो मैं अभी कुछ कुछ सुखा के रखा है, कुछ पैकिंग चल रहा है, और यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है, इसको कैसे सुखाना है सब कुछ ये सब बना के हो गया, अभी इनको पैकिंग करना बाकी है बस। तो ये है जो यहाँ से पोई टैंक का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। ये सब सुखा के रखा हुआ है पीस पीस करके। यहाँ दो रूम में सुखा के रखा है। ये रूम में प्रोडक्शन होता है, यहाँ भी जैसे आप सब देख सकते हैं पीछे सुखा के रखा है, और यहाँ में भी काफ़ी सारा सुखा के रखा है, और यहाँ में चल रहा है पैकिंग। फिलहाल काम करने वाला भी बहुत नहीं है, लोग बस दो ही काम कर रहे हैं। तो जैसे आप सब देख सकते हैं पैकिंग यहाँ चल रहा है। तो अभी यहाँ पे लेबल और नाम लगना बाकी है, वो भी लग जाएगा जल्दी। और यहाँ से पैकिंग करता है, सल्टी धागा प्लास्टिक वगैरह सब यहाँ पर है। तो गाइस जो कंप्लीट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह होने वाला है। पोई टैंक का नाम है चुक नोर्लिंग पोई टैंक, ये है, और आप लोग इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। और उम्मीद है अगर आप लोग अच्छा से, आप लोगों को स्मेल पसंद आएगा, ये अच्छे से चला, तो ये और भी प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो सकता है। अभी मेरे ख्याल से दिरांग के अंदर है कि नहीं आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ से दिरांग रामा कैंप ये आसपास जो जगह है सब जगह में सप्लाई होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू तुझी छे।